इंदौर शहर में मध्य प्रदेश के भारतीय शैली कुश्ती संघ के अध्यक्ष अर्जुन यादव ने इंदौर शहर के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पद की घोषणा एक कार्यक्रम के जरिए की है। इस कार्यक्रम में भारतीय शैली के अखाड़े की मिट्टी से लड़े जाने वाली कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए भी नए पदाधिकारियों को संकल्प दिलाए गए। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती में जितने भी बड़े बड़े पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया है, उनकी शुरुआत अखाड़े की मिट्टी में खेले जाने वाली कुश्ती से ही हुई है। चाहे इंदौर शहर के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पप्पू पहलवान हो या कृपा शंकर पटेल, रोहित पटेल या हरियाणा के बजरंग पुनिया जैसे अन्य खिलाड़ी हो, इन सभी ने अपनी कुश्ती की शुरुआत अखाड़े की मिट्टी की कुश्ती से की है। आज भी इंदौर शहर का छोटा नेहरू स्टेडियम मिट्टी की कुश्ती के दंगल के लिए ही जाना जाता है। देवी अहिल्या की इस नगरी इंदौर में नागपंचमी के दिन मरी माता चौराहे स्थित कुमार खेड़ी में पिछले 98 सालों से प्रत्येक वर्ष अखाड़े की दंगल कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। इस दंगल को देखने के लिए हजारों की तादाद में इंदौर एवं आसपास के लोग आते हैं। भारतीय शैली कुश्ती संघ के पदाधिकारियों का यह कहना है कि भारतीय शैली कुश्ती को आगे बढ़ाया जाए, देश के सभी जर्जर हालत में अखाड़े हैं उनका पुनर्निर्माण किया जाए, सरकार द्वारा इस खेल के लिए ठोस कदम उठाया जाए ताकि इसको खेलने वाले पहलवान का भविष्य भी उज्ज्वल हो। इंदौर जो है पहलवानी का गढ़ रहा है, इंदौर का देश में एक अलग स्थान है पहलवानी के क्षेत्र में, तो उसी कड़ी में आज हम यहाँ इंदौर आए और जिसमें हमारे जो पुराने खेल भारतीय मूल कुश्ती हमारी देश की देसी कुश्ती इंडियन स्टाइल की भारतीय शैली की उसका अध्यक्ष हमने आज सुनील यादव जी को यहाँ नियुक्त किया और ताकि वो यहाँ पर वो मिट्टी कुश्ती को बढ़ाने में अपना योगदान दें और एक कमेटी अच्छी बना के जिला केसरी, जिला भीम, जिला कुमार जैसी कुश्ती स्पर्धाएं आयोजित करें ताकि हमारे नौजवान बच्चों को एक मंच मिले और एक टाइटल मिले और उनका सम्मान बढ़े ताकि हमारी कुश्ती जिंदा रहे, जीवित रहे। जैसे देश में और शहर में जैसे देखा जाए तो पुराने अखाड़े में चलते थे कुश्तियाँ, मिट्टी की कुश्तियाँ चलती थी, पहलवान फावड़े से कुश्तियाँ मिट्टियाँ खींचते थे, उन अखाड़ों को लेकर उनकी जर्जरता को लेकर भी आपकी कुछ मांग है सरकार से? बिल्कुल मांग है, हम सरकार से हमने पहले भी मांग रखी है और कई जगह पूरी भी हुई है कि अखाड़ों को जो हवाई विरासत है उसको संरक्षित करें, उसको टूट फूट हुई है तो उसको रिपेयरिंग का प्रावधान करें और नगर निगम करें, जिला पंचायत करें, तो ये सरकार से मांग की है। कई जिलों में इसका काम हुए भी है, बहुत से अखाड़ों को कब्जा कर लिया लोगों ने, उसको भी मुक्त कराने का काम हमने सरकार के माध्यम से किया। तो हमारी ये धरोहर है, अखाड़े हमारी धरोहर है, जैसे मंदिर है, कोई मंदिर बन जाता है तो वो अनंत काल के लिए हो जाता है, ऐसे अखाड़े हमारे, तो उनको रक्षा करना हमारे संघ का भी दायित्व है, सरकार का भी दायित्व है, वो क्षेत्रीय विधायक का भी है, सांसद का भी है, मंत्री का भी है, पार्षद का भी है, पंचायत सदस्य का भी है, सबका दायित्व है कि वो हमारी धरोहर को बचाएँ ताकि हमारे देश में कुश्ती जो है भगवान कृष्ण के ज़माने से कुश्ती खेली जा रही है और अनंत काल तक खेली जाए मिट्टी पे और आने वाले समय में निश्चित तौर पे ये ओलंपिक में भी ये मिट्टी कुश्ती देखने को मिलेगी, एशियाड में भी मिलेगी और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कुश्ती मिलेगी और कॉमनवेल्थ में भी आने वाले समय में मिलने वाली है। ये मैं आज यहाँ से आपके बात करके जा रहा हूँ कि आने वाले समय में मिट्टी कुश्ती का भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है, बच्चों को बहुत फायदा मिलने वाला है। मैं अर्जुन यादव, महासचिव मध्य प्रदेश इंडियन स्टाइल कुश्ती संघ मध्य प्रदेश और भारतीय शैली कुश्ती महासंघ भारत का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। कई जिम्मेदारी दी गई इंदौर जिले की मिट्टी भारतीय शैली कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप क्या किस तरह से तैयारी करेंगे? फुल जो जितनी भी मेहनत होगी फुल जान से मेहनत करेंगे और ये चीज़ को बहुत आगे लेके जाएंगे और मिट्टी की कुश्ती है इसको हम फिर नए दौर से बहुत आगे बढ़ाएंगे इसको। इंदौर शहर में आपको लगता है कि जो पुराने अखाड़े उनको जीवित करना पड़ेगा, कई जर्जर हालत में वह जाना पड़ेगा? हाँ है, कुछ जगह ऐसा है पर वो भी चीज़ को हम सब जीवित करके और फिर से नए दौर से ऐसी ही बना देंगे कि फिर से दौर अपना बहुत अच्छा रहेगा। आपका पद और नाम बताइए। मेरा सुनील यादव नाम है और अध्यक्ष इंदौर जिला का मिट्टी कुश्ती का।